हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पहले देखते थे कि वाइट हेयर मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो है तो ओल्ड एज में हुआ करता था, लेकिन आज के युग में इस वक्त में हम देख रहे हैं कि इवन एक 20 से 30 या 10 से 20 के बीच के एज में भी जो है तो हेयर्स वाइट हो रहे हैं। दोस्तों, इसका क्या कारण है, ये क्यों होता है, इस बारे में आपको बताऊंगा। और इसके लिए परमानेंट क्या मेडिसिन है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर क्यों होता है, ये जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर जो हेयर ब्लैक होते वो क्यों होते हैं। दोस्तों, ह्यूमंस के अंदर हेयर ब्लैक होने का कारण ये है कि हेयर्स के अंदर ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होते हैं, जो पिगमेंट्स जो है तो हेयर को ब्लैक रखते हैं। इसी के साथ साथ येलो रेड पिगमेंट भी हेयर्स के अंदर होते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस पिगमेंट की मात्रा हेयर्स के अंदर या बॉडी के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो हेयर्स जो है तो लिटल रेड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इसकी मात्रा और कम हो जाती है तो वाइट हेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो होते हैं वो ब्राउन पिगमेंट और येलो रेड पिगमेंट के कारण वाइट ग्रेइंग होते हैं। दोस्तों, अब ये तो मैं आपको बताया कि हेयर ब्लैक क्यों होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रे होना स्टार्ट होते हैं, हेयर वाइट होना स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, हर फर्स्ट ऑफ कॉज है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए, वो है जेनेटिक। दोस्तों, हम देखते हैं कि जेनेटिक कॉज के अंदर हम देखते हैं कि जैसे पेशेंट है या कोई पर्सन है, उसका जो है तो ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि उसके माता पिता के अंदर ये प्रॉब्लम था, या उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के अंदर ये प्रॉब्लम पाया जाता था, तो ये इसको हो रहा है, इसको हम जेनेटिक कॉज कहते हैं। तो जेनेटिक कॉज जो है तो एक मेन फैक्टर कॉज है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए। इसी के साथ साथ जो है तो सेकंड वन कॉज वो जो है वो है स्ट्रेस। दोस्तों, आज के युग में, आज की दुनिया में स्ट्रेस एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। ईच एंड एवरी पर्सन जो है तो स्ट्रेस से सफ़र है, हर बात का वक्त जो है तो पर्सन आज के युग में स्ट्रेस रहा है। कोई बिजनेस का स्ट्रेस है, कोई घर का स्ट्रेस है, या कोई छोटी बातों का स्ट्रेस, बड़ी बातों का स्ट्रेस, मतलब ये समझ लो कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर ग्रेइंग ऑफ हेयर मतलब जो हेयर्स है वो वाइट होना स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड जो कॉज है वो है स्ट्रेस, और थर्ड वन कॉज जो है तो डाइटरी फैक्टर्स है। दोस्तों, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। हम देख रहे हैं कि आज हमारा डाइट पूरा कोलैप्स है, हमारा कोई जो है तो लंच का टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, डिनर का टाइम नहीं है। आज के वक्त में जब टाइम मिले तब जो है तो लोग डाइट ले रहे हैं। दोस्तों, डाइट रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन ई और अदर प्रोटीन जो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर ग्रो के लिए। तो थर्ड जो कॉज है हेयर ग्रोइंग के लिए वो है डाइटरी फैक्टर्स। तो इसी की तरह से तीन कॉज है ग्रोइंग ऑफ हेयर्स के लिए, फर्स्ट जेनेटिक कॉज, सेकंड वन इज़ स्ट्रेस, एंड थर्ड वन इज़ डाइटरी फैक्टर्स। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कॉजेस बताए कि क्यों जो है तो हेयर्स ग्रे होते। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिंस ले सकते हैं जिसके कारण ये हमारा ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का प्रॉब्लम परमानेंट स्टॉप हो जाए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ मेडिसिन है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए है, वो है फॉस्फोरिक एसिड, या इसको एसिड फॉस कहा जाता है। एसिड फॉस के अंदर जो है तो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स पाया जाता है। अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो है के लिए फॉस्फोरिक एसिड आपको 200 पोटेंसी में लेना है, और 200 पोटेंसी का सिंगल डोज या एक डोज जो है तो आपको 4 डेज के इंटरवल पे 1 डोज लेना है। ऐसे आपको 5 डेज लेना है, मतलब 20 डेज में 5 डेज लेना, 5 डोज लेना है आपको, जिसके कारण आप देखेंगे कि इन 2 to 3 मंथ्स जो आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे, जो है वो कुछ दिनों तक रहेंगे, और मगर इससे 100% आपको प्रिवेंशन मिलेगा कि आपके इन फ्यूचर जो ब्लैक है वो जो है तो ग्रे यानी वाइट नहीं होगे। ओके, देन नेक्स्ट रेमेडी फॉर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इज फ्लोरिक एसिड।
फ्लोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर ग्रेइंग ऑफर्स। फ्लोरिक एसिड भी आपको जो है तो 200 पोटेंसी में लेना है, लेकिन फ्लोरिक एसिड के अंदर हम देखेंगे कि हेयर फॉल होगा ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के साथ जो है तो हेयर फॉल होगा फ्लोरिक एसिड में। ये सिम्टम की नोट सिम्टम है फ्लोरिक एसिड का कि आपको उसके अंदर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स विथ हेयर फॉल अगर है तो आपको फ्लोरिक एसिड 200 का डोज लेना है। आपको फ्लोरिक एसिड 200 का डोज जो है तो सिंगल डोज लेना है आज, और इसी के बाद 15 डेज के बाद आपको और एक डोज लेना है, और उसके बाद 30 डेज के बाद आपको एक डोज लेना है। ऐसा आपको 1 मंथ में 3 डोज लेना है और उसके नेक्स्ट मंथ तक वेट करना है। फिर आप देखेंगे कि आपको क्या चेंजेस मिलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। ये दो सेकंड रेमेडी दोस्तों, ये इंटरनरी मेडिसिन मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ दोस्तों होम्योपैथी में एक होम्योपैथिक डाई भी है पोटेंट फॉर्म में, जिसको आप लगाने के बाद आपको नियर अबाउट 2 मंथ्स तक जो है तो आपके जो ग्रे हेयर्स है वो ब्लैक रहेंगे। उसके बाद आपको और रिपीटेड डाई लगाना पड़ेंगी, लेकिन डाई जो है तो ये बहुत ओल्ड एज में के लिए मैं बता रहा हूँ डाई के लिए। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड और एक रेमेडी है जो यूज़फुल है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए, वो है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 का आपको सिर्फ सिंगल डोज लेना है 200 पोटेंसी का, और उसके बाद 1 मंथ तक वेट करना है। 1 मंथ में आप खुद देखेंगे कि आपके जो ग्रेइंग ऑफ हेयर जो हो रहे वो स्टॉप हो जाएंगे और जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने जो है तो वेरियस टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं माइलस्टोन डिलेट के मतलब किसी को बोलने का प्रॉब्लम है, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू टॉक, ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन डिलेट प्रॉब्लम्स है, उस पर भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशंस है जैसे कि आपको कोई डिसीज़ पे जानना है या डिसीज़ के बारे में कुछ और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानना है या आपका और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा जो है तो डिटेल के अंदर जो है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।